धरमजयगढ़ के क्रौंधा जंगल में आज रात एक युवक हाथी के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एम्बुलेंस की मदद से युवक को तत्काल धरमजयगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का उपचार किया जा रहा है। घायल की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने रायगढ़ रेफर कर दिया है। साथ ही वन विभाग की ओर से तत्काल सहायता राशि के रूप में 10,000 रूपए की आर्थिक मदद राशि विभाग के कर्मचारियों ने घायल युवक के परिजनों को दिया। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार हाथी के हमले से घायल हुए युवक का नाम शेखर राठिया है और वो खाना खाने के बाद जब पेशाब करने खेत के ही पास अगल बगल में गया तो युवक का एक जंगली हाथी से सामना हो गया और जंगली हाथी अपने पैर से युवक के सीने पर कुचलने की कोशिश की, किंतु वहीं नजदीक में गांव की ओर भी कुछ लोग खाना खा रहे थे तो युवक की चीख पुकार सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचे, हाथी को वहां से खदेड़ा। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से युवक को धरमजयगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां युवक को जिला चिकित्सालय रायगढ़ रेफर कर दिया गया है। हाथी के हमले में घायल युवक के सीने में जमकर अंदरूनी चोटें लगी हैं। बता दें कि उक्त घटना क्रौंधा के पड्रीपानी में घटित हुई। वहीं बीट गार्ड आज सुबह से ही अपने कार्यस्थल पर नहीं देखा गया। जब बीट गार्ड के बारे में पता किया तो आज हड़ताल पर जाने की बात सामने आई। बताते चले, हाथी द्वारा किए गए इस हमले के बाद घायल युवक के परिजनों सहित ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है।